घाघरा थाना क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के किसान से आम का फल खरीद कर उसका भुगतान नहीं करने के मामले को लेकर घाघरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज थाना क्षेत्र के कुगांव निवासी मनोज भगत ने रांची के मुजफ्फर अंसारी को आरोपी बनाते हुए कराया है। मनोज ने अपने दिए आवेदन में कहा कि 2021 जून महीने में मुजफ्फर अंसारी कुराक के राजू उरांव के पास आया और आम खरीदने की बात कहकर उससे आम खरीद लिया, क्योंकि उस समय लॉकडाउन था और आम की फसल बेचने में दिक्कत हो रही थी। तो अगल बगल के गांव के आम की खेती करने वाले दर्जनों किसानों ने भी मुजफ्फर के पास आम बेच दिया। कुछ लोगों को मुजफ्फर के द्वारा एडवांस में पैसा दिया गया, लेकिन बाद में पैसे देने की बात कहकर सारा फल ले गया और पैसा नहीं दिया। लगातार उसके मोबाइल पर संपर्क करने के बाद भी पैसा नहीं दिया। बाद में अपना मोबाइल भी बंद कर दिया है। इस पूरे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा शुरू कर दी गई है। हम लोग घाघरा प्रखंड के कुगांव पंचायत के कुराक गांव से सरवन उराव मेरा नाम किसान है। मैं आम का बागवानी लगाया हुआ हूँ। जो 2021 जून माह में आम का फल मैं एक रांची के व्यापारी मुजफ्फर अंसारी को दिया हूँ, जो 10,000 मुझे पैसा दिया और आज तक पैसा देंगे बोलकर अभी तक पैसा नहीं दिया है। और मेरे साथ साथ कुगांव कुराक सासो से जमा केन टोली के किसानों के आम को भी ले गया है, उनका भी पैसा नहीं दिया है। इस कितना आम दिए थे टोटल और क्या रेट में दिए थे आम? 30 क्विंटल आम दिए थे, 15 रुपया का डील हुआ था, उसमें हमको 10,000 पैसा दिया और बाकी 35,000 पैसा भी मेरा अभी तक नहीं दिया है, इसलिए हम लोग थाना आए हुए हैं केस करने। हमार घाघरा प्रखंड गांव पंचायत गांव कुराक, हमार नाम जय मुनि उरांव और हम आम कर बागवानी लगा हूँ हमार खेत में। फिर रांची का व्यापारी आया था और 15 रुपया किलो दाम दे के बोल के अथी ले गया है हमारा 80 क्विंटल आम, और हमको इसमें 45,000 पैसा मिला है और बाकी बकाया है। हाँ, हमारा नाम है रैलो और मैं हमने के कुरा कर एक एकड़ ने आम बागवानी लगाई, मगर एक राशि कर व्यापारी आला 15 रुपया रेट दिलक और ले गेलक, सबके एक लाल पैसा भी नहीं मिला है। और पैसा तो के नहीं मिले? नहीं, एक लाल पैसा नहीं मिले। हाँ, आज की एक बहुत महत्वपूर्ण केस हमारे थाने में दर्ज हुई, जिसकी वजह से मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मैं भरी पूर्ण एक महसूस कर रहा हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि समाज के लिए इस तरह का काम होता रहना चाहिए। और ये बहुत एक ठगी और जलसाजी का मामला है, जो कहीं ना कहीं बहुत सारी जनता इससे प्रभावित है। लगभग 5 गांवों के 27 लोग इससे प्रभावित हैं, और मुझे लगता है ये काम को बेहतर ढंग से अंजाम दिया जाए तो शायद बहुत लोगों के लिए लाभान्वित होंगे और बहुत लोगों के लिए ये भलाई होगा और मानवता के कर्म पे, मानवता के पथ पे एक अच्छी प्रयास होगी। और अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।